झारखंड में आज नई सरकार शपथ लेने जा रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन आज राज्य के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। सोरेन सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में विपक्षी एकता की तस्वीर एक बार फिर से देखने को मिल सकती है। झारखंड को आज नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। विधानसभा चुनाव में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी महागठबंधन की जीत के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह रांची के मोरहाबादी मैदान में दोपहर 2 बजे शुरू होगा। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। सोरेन के साथ कुछ और विधायक भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम मंत्री पद की शपथ लेंगे। हेमंत सोरेन जी के साथ दो कांग्रेस के मंत्री, दो विधायक शपथ लेंगे। पहले की जैसे मैंने आपको पहले साफ तौर पे कह दिया था कि डॉक्टर रामेश्वर उरांव जो हमारे पीसीसी के अध्यक्ष हैं और श्री आलमगीर आलम जो हमारे सीएलपी के लीडर हैं। शपथ समारोह से पहले मनोनीत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कांग्रेस के झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह से मिलने पहुंचे। माना जा रहा है कि इस बैठक में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी और सरकार के एजेंडे को लेकर बातचीत हुई। क्या बात हुई होने है? आज ओथ सेरेमनी है, बस एक कर्सी कॉल था। वहीं रांची के मोरहाबादी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की जोरदार तैयारी की गई है। सोरेन के शपथ समारोह में विपक्षी नेताओं का जमावड़ा लग सकता है। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए देश के कई बड़े विपक्षी नेताओं, उद्योगपतियों और कई बड़ी हस्तियों को आमंत्रित किया गया है। सोरेन सरकार के शपथ ग्रहण में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव, एनसीपी चीफ शरद पवार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, शरद यादव, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी और एमके स्टालिन समेत कई विपक्षी नेता शामिल होंगे। हेमंत सोरेन के शपथ समारोह में शामिल होने के लिए पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी तो शनिवार की रात ही रांची पहुंच चुकी हैं। हेमंत सोरेन ने ममता बनर्जी से मुलाकात कर उनका आभार जताया। हेमंत सोरेन के शपथ समारोह को विपक्षी नेताओं के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। इससे पहले हेमंत सोरेन ने शपथ समारोह को झारखंड के नवनिर्माण का संकल्प दिवस कहा और लोगों से मोरहाबादी मैदान में आने की अपील भी की। बीते 23 दिसंबर को झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन ने 81 सदस्यों वाली विधानसभा में 47 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया है। टीम न्यूज़ नेशन।